नौजरात आज के इस शो में वी टू में हम आपके सामने मौजूद आज के मेहमान लाने जा रहे हैं। इन मेहमानों को देख के आपकी शर्तिया कहता हूँ सांस रुक जाएगी बिकॉज दे आर सो एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। इनकी आप एक्टिंग देखते हैं, इनके ड्रामों में आप इनको देखते हैं, इनको आप सिल्वर स्क्रीन पे देखते हैं, आप इनको जहाँ भी देखते हैं दे जस्ट यू नो टेक यू अलॉन्ग विद देम, आप कैरिड अवे हो जाते हैं। इसलिए बिकॉज क्योंकि इन लोगों के मतलब ये थोड़ी सी तारीफ में बयान करने का मकसद ये ताकि आप लोग थोड़ा सा यू नो टोन डाउन हो जाए, क्योंकि अगर ये मैं नहीं करूँगा तो वो बातचीत नहीं हो सकी जिसके लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। खवातीन हज़रात दिल थाम के बैठिए, अपनी पहली मेहमान का तारुफ कराते चलता हूँ। खवातीन हज़रात आप इनको बहुत अरसे से देख रहे हैं और जितना ज़्यादा देख रहे हैं ये शी रिफ्यूज टू एज अ बिट पिछले 10 साल से एटलीस्ट। सो खवातीन हज़रात पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए सनम सईद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आई थॉट आप कहने वाली हैं दिल की ठंडक, सुनो मैंने हमने जो पहले बोला था थादल और विंटो। ओह अच्छा, वो दूसरे मेहमान ने बताया था वेटिंग विद दैट इंट्रो। दिल की सो सनम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक आपको। कैसा लग रहा है आपको इस ईद पे? बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे कि आप कह रहे थे पहले कि ये वो वाली ईद है जहाँ पे हमें झपियाँ पपियाँ रिश्तेदारों से फ्री माहौल बिना खुला खुली छूट मिली हमें टू मीट आवर रिलेटिव्स, क्योंकि अल्लाह का फजल है कोरोना का डर अब आई थिंक ख़त्म हो गया है और 2 साल काफ़ी डिप्रेसिंग ईद गुजरी हैं, तो ये बहुत एक सेलिब्रेट करने का मौका है। थैंक यू सनम। और ख़वातीन हज़रात अब मैं अपनी अगली जिस मेहमान का तारुफ कराने लगा हूँ शी इज़ फिनोमिनल। आप समझे वो सब कुछ कर सकती हैं, वो इस वक्त प्रोडक्शन भी कर रही हैं, वो शी इज़ फिनोमिनल एक्ट्रेस एज वेल, बोथ ऑन स्टेज ऑन टेलीविजन ऑन सिल्वर स्क्रीन हर जगह वो छाई हुई हैं और आप उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में दे चुके हैं, हर तरह की एक्टिंग कर सकती हैं, शी इज़ कम्प्लीटली वर्सेटाइल। आप इनको समझें कि जो हमारी खवातीन एक्ट्रेसेस हैं उनकी वसीम बदामी भी समझ सकते हैं आप, बिकॉज शी कैन डू एनीथिंग। खवातीन हज़रात दिल थाम के बैठिएगा, ऑफकोर्स शी इज़ फिनोमिनल एक्ट्रेस एंड She is amazingly pretty और आज तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है ख़वातीन हज़रात, दिल थाम के बैठेगा। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, एक मिनट, क्या नाम है आपका आजकल? हरीम फारूक। कैसी है रियम? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। कैसी गुजरी है ये ईद? ईद बहुत ज़बरदस्त गुजरी है सनम, सेट के फाइनली कोविड खत्म हो गया है और फैमिली वालों से मिल सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, मिलना पड़ रहा है। तो आप माशाल्लाह 1, 2 और 3 सोफा खाली है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं। अब आप लोगों को ये डर होगा कि शायद मैं किसी ऐसी मेहमान को बुला रहा हूँ जो कि शायद आप लोगों से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मेरे ख्याल में फैंटा आएगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने भी घबराना नहीं, क्योंकि ख़वातीन हज़रात अब मैं जिस मेहमान को बुलाने लगा हूँ हमारे और आपके इंतहाई मोहतरम, हमारे दिल के बहुत नज़दीक और पाकिस्तान की बड़ी जाने मानी शख्सियत, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर भी लोग इनको जानते हैं, पता नहीं जानते हैं नहीं जानते, लेकिन चले ये आ रहे हैं तो इनसे खुद ही पूछ लेंगे। ख़वातीन हज़रात हमारे और आपके हर दिल अजीज, आपके दिलों की धड़कन इस्तकबाल कीजिएगा हमारे मौलाना फजल रहमान साहब का। आपको पता है ना कि वादा खिलाफी करने वाले को कितना गुनाह मिलता है? नहीं पता, लग पता जाएगा यार, कुछ देखे कुछ कर लें। अब तो मेरे पोते पोते नमस्ते नमस्ते, यहाँ ये लोग भी मुझे कहते हैं दादा सदर नाना सदर। ओ देख कर ले। नहीं सर हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता। आई विल टॉक टू यू लेटर। उन्होंने बताया सर कि ये नहीं हो सकता इस असेंबली से। जी सर, हमारे साथ सनम सईद मौजूद हैं, हरीम फारूक मौजूद हैं। इतने खूबसूरत खातिन को आपने बुलाया और मुझे बताया भी नहीं, बताया भी नहीं। क्या कर रहे आप? ये क्या है? ये आपके लिए है सर। थैंक यू सो वेरी मच। हम लोग क्लास फेलो भी थे। अच्छा, KGS में पढ़ा हूँ ना मैं तो। अच्छा, आपके इब्राहिम अली भाई समझ रहे हैं? अच्छा नहीं, मैं सॉरी, मुझे हाई स्कूल में मैं और आप साथ थे। अगर आपको याद हो आप कलर चाहिए सफेद रोज सफेद को दे और गुलाबी गुलाबी पहले से। आप दोनों फैसला कर ले, अभी आपकी लड़ाई है कि किसने कौन सा फोन रखना है। सर आपने जरूर देखा होगा सर काम, फिनोमिनल एक्ट्रेसेस बोथ ऑफ देम, बहुत बेहतरीन, दोनों बहुत अच्छी हैं, जबरदस्त हैं। और क्या इनकी परफॉर्मेंस है? क्या है सर? परफॉर्मेंस इनकी अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
नहीं सर, वाकई ये एब्सोल्युटली राइट है सर। हरीम माशाल्लाह प्रोडक्शंस भी कर रही हैं। अच्छा, हमें भी मौका दे भाई। कैसी बात है सर, क्या मौका दे? मेहमान है सर हमारी, ऐसे तो ना कहेंगे आप भाई। सदर बनने का मौका दे। ओ, सदर बनने का। सर सर, अगर वैसे आप इन लोगों से फारिग हो गए हो तो सर जरा मैं आप की तवज्जो। बिल्कुल बिल्कुल, I'll get back to you very soon in a while. ओह सर, एक्सलेंट, I like it. ख़वातीन उधर के निकल आता है। Oh, I agree. American, British, EU सारे आते हैं। Absolutely sir, बिल्कुल आता होगा, बिल्कुल आता होगा सर। पुनः सब पहले तो बहुत-बहुत मुबारक। फिल्म स्टार्स के साथ बुला लिया वो तुमने मुझे। अरे सर, वो असल में ये क्योंकि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह स्क्रीन पे ब्यूटी आ गई थी कि मैं चाहता था कि इस जो माशाल्लाह हुस्न का सलाब आया ना, आप थे ना सर, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं तो हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि लोगों को सैलाब को हम सुनामी में कन्वर्ट कर दें, इसलिए हमने आपको बुलाया। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे याद किया। ईद का दिन है और सवैयों के प्लेटें क्यों रखाई जाए? बिल्कुल सर, वो अभी मैं ये सब कुछ छोड़ कर आया हूँ आपके पास। ओह रियली? मैंने कहा आपके पास होगा कुछ खाने को, तो उसके बाद अभी करते हैं ना कुछ खाने। नहीं नहीं सर, वो खाने का सिलसिला अच्छा बाद में शुरू करते हैं। बट सर, इट्स सच एन ऑनर कि आप तशरीफ लाए। आपने जो तहरीक चलाई है खान साहब के पहले साल से लेके और माशाल्लाह अभी तक आपकी जो पीडीएम की तहरीक चली, आपने खान साहब को निकाल के दम लिया? नहीं, क्यों ना निकालता मैं, जो उन्होंने मुझे इतना अरसा निकाला हर सीट से हरा के। अच्छा, तो उन्होंने तो मुझे तकरीबन जॉबलेस कर दिया था। नहीं करें, बल्कि मैं अपनी सीवी ले लेके जहाँ जहाँ गया उन्होंने कहा भाई एक्सपीरियंस नहीं है आपका। अच्छा, तो मैंने कहा भाई जॉब ही नहीं है तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा। हाँ ये बात है। ऑब्वियसली सर, आपको तो मतलब लोगों को एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए होती है, आपको तो जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन जॉब ही नहीं थी। खान साहब ने मेरे साथ जो बेरोजगारी में किया है, बाकी कसम पे आपको बता नहीं सकती। सकता? अच्छा। बता नहीं सकता। जो बेरोजगारी के पल मैंने काटे हैं, मेरी खान साहब को शद्दुआ लगेगी। शद्दू यानी के बदुआ शदीद, कोई शक नहीं है। बाकी आप लोग, आप कश्मीर कमेटी अच्छा भला चला रहे थे, खान साहब आए और उन्होंने गंडापुर साहब को वहाँ पे बिठा दिया, विच इज अगेन मुझे उसकी भी वो नहीं लगी। खैर चले, हरीम आप क्यों इतना मुस्कुरा रही है, क्या गम है जिसको छुपा रही है? मीठा मीठा मुस्कुरा के देख रही है। आपने अपने कीनू के मीम्स देखे? ये कौन इतने मीम बनाने के एक्सपर्ट है, इतनी बेवकूफ नहीं बनाती जितनी मीम्स बनाती है। क्यों सर, इसमें मतलब पता नहीं, इनको मैं ही मिला हूँ। इमरान खान साहब अपने हर जलसे में आपका जिक्र करते हुए डीजल को याद करते हैं। आप ऑफेंड नहीं होते सर इस बात से? आपको बुरा नहीं लगता? जी नहीं, मैं इस वक्त सीएनजी पे हूँ तो मैं क्यों जिसको कह रहे होंगे उसको कह रहे होंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, नहीं मैं तो नहीं ऑफेंड होता हूँ, बिल्कुल नहीं होते, बुरा नहीं लगता। और देखिए, अगर वो मुझे डीजल कहते भी हैं तो आप उसकी इम्पोर्टेंस देखिए कितनी है। कितनी? वो डीजल ना हो तो ये जो ये रॉकेट जाता है ना ऊपर, ये भी नहीं जा सकता। कैसे? इसमें डीजल लगता है। किसे डीजल लगता है? इस रॉकेट में? नहीं सर, रॉकेट में डीजल नहीं लगता सर, रॉकेट डीजल। आपको किसने कह दिया भाई? वो सुबह चेक करते हैं जैसे कभी आप बाल कटवाने जाए, आप तो जाते ही होंगे। जी जी, कोई और गुजारा काटते नहीं तो आगे उसमें क्या होता है कि जब आप बाल पीछे वाला काटते तो वो पीछे से एक शीशा दिखाता है आपको। जी भाई ठीक है, मैंने दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कह रहा हो यार यहाँ से काट दो। सब कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही। मौलाना साहब, क्विक क्वेश्चन, अमेरिका जिंदाबाद है या मुर्दाबाद? अमेरिका ठीक है। ये आप हैंग हो गए या स्ट्रीमिंग का फॉल्ट है कुछ? एक मिनट खातीन हजरात, मेरे पास इस सॉल्यूशन का उपाय, इस प्रॉब्लम का उपाय यानी सॉल्यूशन मौजूद है। मेरे पास एक डीजल की बोतल है खातीन हजरात, ये डीजल की बोतल मैं मौलाना साहब ये डीजल पड़ा है, कैच करें। सर एक घूट में आप थोड़ा सा रवाना हुआ। एक घूट में रवाना हो गए सर? एक मिनट जा रहा है, अंदर जा रहा, रवाना हुआ थोड़ा सा। तुम मुझे फंसाना चाहते थे? अच्छा
नहीं सर, ये क्या हुआ? मैंने आपको फंसाना होता, मैं दरवाजा छोटा कर देता, आप आ ही नहीं सकते। मैं बिल्कुल नहीं फंसाना चाहता सर आपको। लोगों को पता नहीं है, असल में जब जीरो कैलोरी डाइट पे जाऊँ ना तो डीजल भी जीरो कैलोरी है। अच्छा, पेट्रोल में थोड़ी ज्यादा कैलोरी होती है। दुनिया को पता है। नहीं सर, मैं अपना सवाल वहीं पे रह गया मेरा, मैं चाहूंगा सवाल को पहले एड्रेस कर ले। अमेरिका जिंदाबाद है, मुर्दाबाद? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हाँ, मैं भी डरता नहीं हूँ। अच्छा, या अल्लाह खैर। डेरा इस्माइल खान में अमेरिका मुर्दाबाद है। ओ, और इस्लामाबाद में जिंदाबाद है। वाह 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 वा। सर क्या सियासी बसीरत है और क्या जबरदस्त जवाब दिया आपने, और मुझे आपसे इसी अकलमंदी की उम्मीद थी सर। बहुत जबरदस्त, वाह क्या कहना।